इतने इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर को अब रिजाइन कर देना चाहिए, उनसे नहीं हो पा रहा है, वो ये मान ले। और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, सरकार बनते ही उनका पहला एग्जाम में कैंसिल कर दिया गया, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? देश में दो तरह के लोग हैं जो इस भीषण गर्मी में भी घर पर नहीं बैठ पा रहे। पहले वो हैं जिन्हें नौकरी करके पैसे कमाकर घर चलाना है, और दूसरे वो लड़के लड़कियां जो परीक्षाओं में धांधली से परेशान हो चुके हैं। हर दिन इन स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के वीडियो वायरल हो रहे हैं। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ नीट यूजी के भी नतीजे आए। 30,33,297 लड़के लड़कियां डॉक्टर की पढ़ाई करने की उम्मीद में लैपटॉप लेकर बैठे। करीब 13.16 लाख स्टूडेंट्स का यह सपना पूरा भी हुआ, लेकिन इनमें से 67 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 नंबर मिले। रिजल्ट देखने के बाद कैंडिडेट्स और टीचर्स को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। नीट करवाने वाली एजेंसी एनटीए पर सवाल उठे, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को पूरे मामले की सुनवाई करने का ऑर्डर भी दिया है। उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया है कि परीक्षा में कोई धांधली या भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। इसके बाद मामला कुछ ठंडा हो ही रहा था कि बिहार से खबर आई, नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था। इसका मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु पकड़ा गया। इस खबर के बाद से युवाओं को लगा कि उनकी सारी मेहनत पानी में चली गई, लड़के लड़कियां सड़क पर आ गए, देश भर में विरोध प्रदर्शन होने लगा। 20 जून को नेशनल स्टूडेंट यूनियन यानी NSUI समेत कई मेडिकल स्टूडेंट्स ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर प्रदर्शन किया, बोरी भरकर 500 के नोट उड़ाए और शिक्षा मंत्री न्याय दो के नारे लगाए। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और बिहार समेत देश के कई हिस्सों में नीट की गड़बड़ी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहीं एक प्रोटेस्ट यूपी के लखनऊ में भी हुआ, लेकिन इनका मुद्दा नीट नहीं बल्कि यूजीसी नेट है। यूजीसी नेट यानी वो परीक्षा जिसके बाद पीएचडी की जाती है। नीट और यूजीसी नेट दोनों ही परीक्षाएं एनटीए करवाती है। 18 जून को नेट का पहला एग्जाम हुआ। 19 जून को एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ट्वीट किया कि नेट की परीक्षा में कुछ धांधली की खबर है, इसलिए ये परीक्षा रद्द की जा रही है। खबर देखने के बाद स्टूडेंट्स के अंदर आक्रोश भर गया, उन्होंने इसके खिलाफ दिल्ली, लखनऊ समेत देश के कई हिस्सों में प्रोटेस्ट किया। सुनिए, देखिए एनटीए तो फुट सोल्जर है ना सरकार का, एनटीए गठित कौन कर रहा है? सरकार कर रही है, जिनको सेंट्रलाइजेशन चाहिए उन्होंने सेंट्रलाइजेशन के नाम पे एनटीए गठित किया। जो पूरा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है एकेडमिया का, उसको खत्म करने के लिए एनटीए का गठन किया गया है। तो फुट सोल्जर पे डेफिनेटली गाज गिरनी चाहिए, लेकिन लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है। इसलिए हम लोग की ये भी डिमांड है कि इतने इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर को अब रिजाइन कर देना चाहिए, उनसे नहीं हो पा रहा है, वो ये मान ले। जाने कितने पेपर्स इस सरकार में लीक हुए हैं, और 100% मेरा दावा है कि ये सरकार के लोगों के शह पे होता है। एनटीए जैसी एजेंसी जो इतनी निकम्मी इनकॉम्पिटेंट एजेंसी है, उस पे इतने महत्वपूर्ण एग्जाम की जिम्मेदारी दी किसने? और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, सरकार बनते ही उनका पहला एग्जाम में कैंसिल कर दिया गया, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो संज्ञान लेते हुए अपना इस्तीफा दें? सर, बहुत सारे छात्र नौकरी करते करते पढ़ाई कर रहे हैं। नेट आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी के लिए होता है, यहाँ पे एमए खत्म करते करते 25-26 साल हो जाता है। आपको लगता है हमारा समाज ऐसा है कि हमारे माँ बाप इसके आगे, लड़कियों पर तो शादी का प्रेशर बनने लगता है, तो ये हमारे लिए एक सोर्स है कि हम अपना इंडिपेंडेंट हो पाए, तो वो दोबारा दे रहे हैं, पर जो हमारा समय जा रहा है, हमारा पैसा जा रहा है, हमारी मेहनत जा रही है। तो कुल मिलाकर ये दोनों परीक्षाएं देने वाले युवा परेशान है। इस पर एजुकेशन मिनिस्ट्री का कहना है कि दोनों परीक्षाओं में हुई धांधली की जाँच चल रही है, पूरा मामला सीबीआई को सौंपा जाएगा, नए सिरे से ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये नेट के लिए कहा गया, और नीट के लिए कहा गया कि जो ईओयू है वो इसकी जांच कर रहा है। स्टूडेंट्स को जो भी जानकारी है वो दी जाएगी। अब इस मामले पर जो भी अपडेट आता है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आप इस पर क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ये सारी जानकारी जुटाई थी मेरी साथी रक्षा ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।